हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपका सिलेक्शन ग्रुप डी में हुआ है या फिर एनटीपीसी में हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है तो उसके साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। देखो, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार होता है मेडिकल से पहले, आप कह सकते हैं दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका ज्वाइनिंग के टाइम पे होता है। बेसिकली वहाँ पे डॉक्यूमेंट बारीकी से चेक नहीं होते, लेकिन आपको सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे प्रोवाइड कराने होते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं ज्वाइनिंग लेटर के साथ, वो मैं आपको बताऊंगा। एक ओरिजिनल ज्वाइनिंग लेटर मेरे पास है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में जो अटेस्टेशन फॉर्म होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको फिल करनी होती हैं, क्या गलती आपको उस फॉर्म में नहीं करनी है, सर्विस बॉन्ड आपको कैसे भरना है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट टाइम में बताने वाला हूँ। ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप ग्रुप डी एनटीपीसी में सेलेक्टेड हैं। तो बिना स्किप करे वीडियो को कंप्लीट देख लेना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि फ्यूचर के वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिले और सारी जानकारी आपको पल पल मिलती रहे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि आपका जो यहां पे ज्वाइनिंग लेटर होता है उसके साथ जो है तीन चार चीजें आपकी आती हैं। उसके साथ एक तो आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आता है, ठीक है ना, वो क्या होता है अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आता है, एक उसके साथ अटेस्टेशन फॉर्म आता है, ठीक है, और जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसी के साथ जो है कुछ सर्टिफिकेट के परफॉर्मा लगे हुए होते हैं, जैसे आपका कास्ट का सर्टिफिकेट, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर आपका सर्विस बॉन्ड, ये सारी चीज़ें जो है आपके अटेस्टेशन फॉर्म के साथ आती है। तो इन चीज़ों में आपको किस तरह से फिल करना है वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। देखो, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये भी एक ज्वाइनिंग लेटर ही है, यू हैव बीन सिलेक्टेड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड प्रोविजनली फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन, ठीक है, टेक्नीशियन का एक ज्वाइनिंग लेटर है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर इनसे मांगे गए थे वो आपको यहाँ पे देखने में पता लग जाएगा। वही लगभग सेम डॉक्यूमेंट आपसे ग्रुप डी एनटीपीसी में भी मांगे जाएंगे। सबसे पहले देखो, नंबर एक पर क्या है आपके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपकी 10th की मार्कशीट डीवी के दौरान आप लेके गए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर भी ले जाने होते हैं। उसके अलावा ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी कुछ जोन में मांगा जाता है, जिसको टीसी बोलते हैं, ठीक है, पर ये मैंने ऐसा देखा कि सभी जोन में मैंडेटरी नहीं होता है, कुछ जोन में मांग लेते हैं कुछ जोन में नहीं मांगते हैं, तो इसको आप चाहे तो अभी होल्ड पे रख सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट सारे जोन में मांगे जाएंगे, जैसे आपका कम्युनिटी का सर्टिफिकेट है, अगर आप एससी एसटी ओबीसी बिलोंग करते हैं तो जो सर्टिफिकेट आपने डीवी के टाइम पे लगाया था वही सर्टिफिकेट आपको यहां पे भी दिखाना होता है। उसके अलावा आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और जो बैंक अकाउंट है वो यहां पे आपको आवश्यकता पड़ती है। तो बैंक अकाउंट अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, यहां पे सभी बैंक का बैंक अकाउंट चल जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एसबीआई का ही चलेगा, किसी भी बैंक का आपके पास अकाउंट है तो आपके पास उसकी पासबुक, उसकी चेकबुक, क्योंकि कैंसिल चेक भी आपके लगते हैं, तो चेकबुक आपके पास होनी चाहिए, एटीएम भी आपके पास होना चाहिए क्योंकि आगे आपको एटीएम की आवश्यकता पड़ेगी। अगर इन केस आपके पास अकाउंट नहीं है या आप अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते हैं तो जिस टाइम पर आपकी ज्वाइनिंग होती है वहां पे भी आपके अकाउंट्स ओपन कर दिए जाते हैं, लेकिन रिकमेंड आपको मैं यही करूंगा कि पहले से एक अकाउंट अपना सेपरेट खुलवा के रख लो, जिसका एटीएम भी आपके पास हो, जिसकी चेकबुक भी आपके पास हो और जिसकी पासबुक भी आपके पास हो, ठीक है। तो ये चीजें मांगी जाती है। उसके अलावा रीसेंट कलर फोटोग्राफ आपसे मांगे जाते हैं, अटेस्टेशन फॉर्म अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा वो आपको इसके साथ ले जाना होता है। उसके अलावा कैरेक्टर के सर्टिफिकेट बनते हैं आपके, देखो 2 या 3 कैरेक्टर के सर्टिफिकेट बनवाने होते हैं जब आपका ओरिजिनल ज्वाइनिंग लेटर आएगा, तब मैं आपको बारीकी से बताऊंगा। अभी आप समझ लो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक तो आपके स्कूल से बनता है, लास्ट एजुकेशन जहां से आपने की है वहां से बनता है, दूसरा आपको जो है कंसर्न अथॉरिटी से बनवाना होता है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपके सारी चीजें यहां पे लगती है, ये पूरा यहां पे डिटेल्स आप देख सकते हैं। अब चलो यहां पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं ओरिजिनल में ज्वाइनिंग लेटर कैसा होता है। तो सबसे पहले देखो, जो फर्स्ट पेज होता है ना ज्वाइनिंग लेटर का, वो कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे ये जो ज्वाइनिंग लेटर है ये साउथ वेस्टर्न रेलवे का है, और अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ आरआरसी कैंडिडेट इन ग्रुप डी एज हेल्पर सीएनडब्ल्यू मैकेनिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहां पर इनका जो सिलेक्शन है ये पुराना ज्वाइनिंग लेटर है 2017 का, तो इनका सिलेक्शन यहां पे सीएनडब्ल्यू मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है, इसको बोलते हैं ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ होता है कि आपको जो है ये वाली पोस्ट मिली है, वो पूरी जानकारी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह और आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पे लिखी होती है, पूरी डिटेल इस पेज पर मेंशन होती है, इसको बोलते हैं ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। अब इसके साथ जो अटेस्टेशन फॉर्म आता है उसमें क्या क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखो, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, ये होता है आपका अटेस्टेशन फॉर्म। अब यहाँ पे ना सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से भरनी होंगी, यहाँ पे अगर आप गलती करोगे तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी। सबसे पहले तो यहाँ पे वार्निंग में ये लिखा जाता है कि जो भी चीज़ें आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वो सही होनी चाहिए। यहाँ पर आपकी फोटो लगती है, सारी डिटेल्स होती है, आपका नाम कैपिटल लेटर्स में, आपका फादर नेम, प्रेजेंट एड्रेस, पुराना एड्रेस, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती है। ये मैं शॉर्ट में अभी इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी किसी का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, ठीक है ना। तो मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देखो, अगर आप कहाँ कहाँ पर रहे हैं, अगर आप कहीं 1 साल से ज़्यादा रहे हैं, वो ब्यौरा आपको यहाँ पे देना होता है, ठीक है। जब ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे तब मैं आपको एक एक चीज फिल करके भी दिखाऊंगा कैसे फिल की जाती है। यहां पे आपके फादर, मदर, नेम, उनकी जो नेशनलिटी है, प्लेस ऑफ बर्थ है, ऑक्यूपेशन और ये सारी चीजें, एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको यहां पे देना होता है। यहां पे आपको मिस्टेक नहीं करनी है, एक एक चीजें आपको बिल्कुल सही भरनी है। उसके बाद देखो, यहां पे जो है अगर आप कहीं बाहर रहे हैं तो वो भी आपको यहां पे डाटा देना होता है, कितने दिन रहे हैं, पढ़ाई के लिए आप कहीं बाहर रहे हैं, वो सारा डाटा आपको यहां पे देना होता है। उसके अलावा आपने कितने दिन कहीं पे अगर जॉब करी है, वो सारा डाटा आपको देना होता है। अब देखो, यहां पे स्टूडेंट गलती करते हैं, जैसे यहां
पर येस नो में आपको आंसर करना होता है, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, क्या आप कभी अरेस्ट हुए हैं। तो देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पर मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है किसी भी तरह का केस, मान लो लड़ाई झगड़े का, लड़की का केस, कोई आप कह सकते हैं मारपीट वाला केस, कोई जमीनी विवाद, अगर आपको अरेस्ट करने के बाद, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपको अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में अगर पेश किया गया है तो आपको यहां पे ब्यौरा देना होगा, ठीक है। अगर आपका जो मैटर है वो थाने में शॉर्ट आउट हो गया, पैसे ले देकर शॉर्ट आउट हो गया, आपस में सलाह करके शॉर्ट आउट हो गया, या फिर जो है आप थाने में आपको रखा गया है एक रात के लिए रखा गया, लेकिन कोर्ट में आपको पेश नहीं किया गया, तो आपको यहाँ पे ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ब्यौरा सिर्फ वही दे जो कोर्ट में पेश हुआ है, चाहे बाद में वो बरी हुआ है, चाहे उसका केस अभी भी पेंडिंग में चल रहा है, कुछ भी हो वो ब्यौरा आपको यहाँ पे देना होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ हैव यू बीन एवर अरेस्ट, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर किसी नॉर्मल मैटर में उनको पुलिस लेके गई वो यहाँ पे यस कर देंगे, फिर आगे वो डिटेल्स मांगेंगे तो डिटेल्स आपके पास होगी नहीं क्योंकि उसका रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे नो क्लिक करना है, अगर कोई बड़ा केस आपके साथ हो तो यस करना है। हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, कि आपको गिरफ्त में रखा गया है, ठीक है। हैव यू एवर बीन बाउंड डाउन, हैव यू एवर बीन फाइंड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, अगर आप किसी विवाद में पकड़े गए हैं, कोर्ट में गए हैं, कोर्ट ने आपको फाइन देके रिहा किया या फाइन देके आपको जो है छोड़ा है, तो भी और आपको देना होगा। तो ये चीजें ना बहुत ध्यान से भरने वाली होती है, यहां पे मिस्टेक मत करना, अगर यहां पे आप गलत इन्फॉर्मेशन दे दोगे ना तो बाद में पुलिस वेरिफिकेशन में आप पकड़े जा सकते हो, फिर आपकी जॉब भी जा सकती है। इस तरह से यहां पे देखो आपको दो लोगों के यहां पे वो भी देने होते हैं, नाम और उनका मोबाइल नंबर देना होता है जहां पे आपका पुलिस वेरिफिकेशन जाता है, ठीक है ना। और ये आपके रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने चाहिए, मैंने आपको पहले बताया है, दो ऐसे पर्सन पहले ढूंढ के रख लेना जो आपके बारे में अच्छा अच्छा सोचते हो और वो अच्छा अच्छा ही बोलेंगे, ठीक है। किसी ऐसे बंदे का रेफरेंस मत दे देना जो आपसे चिढ़ता हो, जलता हो और वो आपके बारे में गलत चीजें देते हैं, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, तो कहां कहां से आपको साइन कराने हैं वो सारी बातें यहां पे अटेस्टेशन फॉर्म में दी गई होती है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर देखो सर्विस बॉन्ड, सर्विस बॉन्ड का भी यहां पे आता है, और इस बार मुझे लग रहा है कि सभी से सर्विस बॉन्ड भरवाया जाएगा। पिछली बार क्या हुआ था 2018 में, कुछ जोन में सर्विस बॉन्ड भरवा लिया था, कुछ जोन में नहीं भरवाया था, ये 5 साल का सर्विस बॉन्ड भरवाते हैं, ठीक है। तो इस बार मुझे लग रहा है मैंडेटरी हुआ, क्योंकि पिछली बार हुआ क्या था, बहुत सारे स्टूडेंट जॉब छोड़ के चले गए थे, ठीक है, ज्वाइन करके ट्रेनिंग करके, और फिर वहां पे रेलवे बॉन्ड अगर नहीं भरवाया था तो वो आपको पैसे के लिए क्लेम नहीं कर सकते, तो सर्विस बॉन्ड भी आपके साथ आएगा। सर्विस बॉन्ड आपको भरना होता है, यहाँ पे भी आपको विटनेस वगैरह देने होते हैं, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट होता है, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाने होते हैं, देखो यहाँ पे इन्होंने परफॉर्मा वगैरह सब दिया है। तो इस तरह से ये पूरा आपका अटेस्टेशन फॉर्म आता है, पूरा ज्वाइनिंग लेटर आता है। बाकी जब ये ज्वाइनिंग लेटर ऑरिजिनल में आएगा ना, तब एक एक चीज़ आपको बारीकी में बताऊंगा, इसलिए आप चैनल को तो अभी सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आपको वो वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा।